नमस्कार, बोल खिलाफ आजाद है तेरे, मैं अभिसार शर्मा। भारतीय जनता पार्टी सरकार नफरतियों का साथ देकर, नफरती चिंटुओं का साथ देकर आखिर देश को क्या संदेश देना चाहती है? अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में वो देश की नाक क्यों कटवा रही है? देश की साख पर इस तरह का नुकसान क्यों पहुंचा रही है? जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल खिलाफ आजाद है तेरे, न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। बोल क्लब आजाद है तेरे, बोल सभा अब तक तेरी है। दोस्तों, आप जानते हैं हरिद्वार में एक धर्म संसद हुई थी। उस धर्म संसद के अंदर देश के खिलाफ जंग छेड़ने, मुसलमानों के खिलाफ हिंसा करने और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को मारने तक की बात की गई थी। मगर आज तक मोदी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने उन नफरतियों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। कल आखिरकार कदम उन्होंने एक उठाया तो वसीम रिजवी, कुछ दिनों पहले तक जो वसीम रिजवी था, अब वो बन गया है जितेंद्र त्यागी। उसे उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। मगर जो लोग नफरत का संदेश दे रहे थे उस पर सरकार पूरी तरह से खामोश है। जब वसीम रिजवी को गिरफ्तार किया जा रहा था तो यति नरसिंहानंद सरस्वती, जिसने बीजेपी महिला नेताओं के बारे में आप शब्द कहे, जिसने हिंदू लड़कियों के बारे में आप शब्द कहे, वो यति नरसिंहानंद सरस्वती के सामने आप देखिएगा पुलिस किस कदर नतमस्तक है, पुलिस किस तरह से उनसे माफी मांग रही है और अंत में फिर वो पुलिस वालों और उनके बच्चों तक को गालियां देता है, मरने की बात करता है। मैं सबसे पहले तो आपसे क्षमा चाहूंगा कि इस नफरती आदमी का बयान मैं अपने मंच पर सुना रहा हूं, न्यूज क्लिक के मंच पर सुना रहा हूं। मैं सिर्फ इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि मैं चाहूंगा आप सुने, देखें इस पुलिस की बेशर्मी। सुनिए, नहीं आने को नहीं करे, वो समझ रहे भाई, तुम भी समझ रहे, त्यागी जी समझ रहे हैं कि हम तो समझ रहे हैं, हमारे आप तो दुकान नहीं कर रहे हैं, आप नहीं जा रहे हैं, आप आ जाइए पीछे, गाड़ी हम कहीं है, तुम सब मरोगे, अपने बच्चों को। अरे आओ तो मैं यही तो समझना चाहता हूं कि जिस कालीचरण को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया था भोपाल से, जब वो भाग रहा था, जब वो छुप रहा था, तब उसने महात्मा गांधी का अपमान किया था। सुनिए इस यति नरसिंहानंद सरस्वती को, ये एक बार फिर महात्मा गांधी का अपमान कर रहा है, उनके बारे में क्या शब्द बता रहा है, क्या शब्द इस्तेमाल कर रहा है, आप भी सुनिए। गांधी नाम की गंदगी के कारण आज कालीचरण महाराज को जिन्होंने गिरफ्तार किया है, मां और महादेव उनका समूल विनाश करेंगे। गांधी के बारे में कालीचरण जी महाराज ने जो कहा, हम 100% उससे सहमत हैं और हर परिस्थितियों में कालीचरण जी महाराज के साथ हैं। यह आदमी खुलेआम हिंदुओं को गाली देता है, उनकी माओं को गाली देता है, भाजपा की महिला नेताओं के चरित्र के बारे में गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल करता है। सबसे पहले मैं समझना चाहता हूं कि बीजेपी के नेता इसके सामने नतमस्तक क्यों हैं। यहां पर आप सुनिए क्या कह रहा है ये बीजेपी महिला नेताओं के बारे में, सुनिए। अब सरकारी ठेकों का रेट हो गया 10% खुला रेट, और जितनी भी बीजेपी में महिलाएं दिखाई दे रही है, अगर एक नेता के पास गई तो जब तक दूसरे के पास नहीं जाएगी दूसरा उसका काम नहीं करेगा, तीसरे के पास जाकर फिर जा रहे। ये है अब ईमानदार और जेंटलमैन लोग। स्मृति ईरानी खामोश, मीनाक्षी लेखी खामोश, निर्मला सीतारमन खामोश, क्यों इस कदर इस तरह के बयानात आप बीजेपी महिला नेताओं के बारे में, उनके चरित्र के बारे में कर रहे हैं? क्या इस पर कोई एक्शन नहीं होना चाहिए? और फिर देखिए दोस्तों, दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में एक प्रदर्शन हो रहा होता है और फिर ये आदमी मां को लेकर क्या कहता है, मैं चाहूंगा आप सुने। पुलिस वालों तुम्हारे समर्थन में आए हैं, दिल्ली पुलिस जिंदाबाद। सुन तो लो, चमचागिरी ज्यादा मत करो, चमचागिरी करके हिंदुओं ने अपनी ये क्षमा करना मेरे से, लेकिन मैं सच बोल रहा हूं। मगर आज मुद्दा यह नहीं है कि यति नरसिंहानंद सरस्वती को गिरफ्तार किया जाए या ना किया जाए। आज मैं आपको एक एक करके मिसाल देना चाहता हूं दोस्तों।
फैक्ट चेकर जुबैर जो हैं, उन्होंने इसे कंपाइल किया था, वही मैं आपके सामने पेश करूंगा। धर्मदास महाराज बिहार से कह रहे हैं कि अगर मैं संसद में होता तो मनमोहन सिंह की छाती पर गोली मार देता। इससे बड़ा कोई अपराध हो सकता है? मनमोहन सिंह कौन थे? मनमोहन सिंह हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे। उनके बारे में बिहार से धर्मदास महाराज इस तरह के बयानात दे रहे हैं, इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी? अब सुनिए, आनंद स्वरूपा महाराज, अगर हमें सरकार नहीं सुनेगी तो हम सरकार के खिलाफ बगावत का इस्तेमाल करेंगे, हिंसा का इस्तेमाल करेंगे और हिंदू राष्ट्र स्थापित करने के लिए अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा का इस्तेमाल करेंगे। ये तो अगर आप देशद्रोह की या राजद्रोह की परिभाषा पढ़े कानून में क्या है उसमें, तो बिल्कुल ये फिट बैठता है। तो ये जो आनंद स्वरूपानंद महाराज हैं, इन पर एक्शन क्यों नहीं, मैं समझना चाहता हूं। अब अगला बयान देखिए दोस्तों, उन्होंने ये भी कहा कि हरिद्वार में हम किसी को क्रिसमस नहीं बनाने देते, हम मुसलमानों और ईसाइयों को उनके त्योहार नहीं मनाने देंगे, सिर्फ हिंदुओं के त्योहार मनाए जाएंगे। सुनिए वो क्या कह रहे हैं, फिर मैं इसकी चर्चा करता हूं। सबको स्वतंत्रता है, अपनी बात रखिए। मैंने महाराज जी से आग्रह किया है कि 3 दिन बाद इस मंथन से जो अमृत निकलेगा वो धर्मादेश होगा, और वह धर्मादेश ये जो लोकतांत्रिक सरकार दिल्ली और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश और जगह जगह पे चल रही है वो सबको मान्य होगा। नहीं मानोगे तो 1857 का जो युद्ध हुआ उससे भी भयानक युद्ध लड़ा जाएगा। सागर सिंधु महाराज ये क्या कह रहे हैं कि सिर्फ 5,000 रुपए का मोबाइल फोन ना खरीदें, 1,00,000 रुपए का हथियार खरीदें। खुलेआम ये लोग हिंदू समाज को भड़का रहे हैं कि हथियार खरीदें, हिंसा का इस्तेमाल कीजिए, मौजूदा सरकार की महिला नेत्रियों के बारे में आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आपसे समझना चाहता हूं, ये किस निगाह से धर्मगुरु हो गए? क्या हम गर्व या गौरवान्वित होकर कह सकते हैं ये धर्म गुरु हैं? इनका हिंदू धर्म से क्या लेना देना है? मैं आपसे समझना चाहता हूं बहुत ही शालीनता से, जो लोग इनका साथ दे रहे हैं, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कमेंट सेक्शन में ऐसे कई नफरती चिंटू आ जाएंगे जो इनका साथ देंगे। ऐसा बार बार हो रहा है, सरकार खामोश है। ये मत सोचिए कि आपको इससे वोट्स मिल जाएंगे। नफरत की खेती की भी एक हद होती है, उसके बाद इस नफरत की खेती से सिर्फ और सिर्फ लोगों को नुकसान होता है, लोगों के बच्चों को नुकसान होगा, लोगों के बुजुर्गों के नुकसान होगा, हमारी आने वाली पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी। मगर ये बात मैंने आपसे पहली बार तो कही नहीं है, मैं आपसे बार बार कहते रहा हूं, आप लोगों पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर मेरी मजबूरी है। मेरे शो का नाम है बोल के लब आजाद है तेरे। मैं ये मुद्दे आपके सामने उठाते रहूंगा, और मेरा आज का मुद्दा है कि नफरती धर्म संसद के खिलाफ मोदी की पुलिस, भाजपा की पुलिस एक्शन क्यों नहीं ले रही है? खानापूर्ति के लिए एक चाटुकार को गिरफ्तार करना मुद्दे का समाधान नहीं है। नमस्कार।